बुलेटिन के प्रायोजक हैं एसएमबी प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं। लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के सुखेर क्षेत्र में हाईवे पर नियम विरुद्ध बने बैरिकेड्स, दो वाहन आपस में टकराए, कई लोग घायल। डायन बताकर पति ने महिला को किया निर्वस्त्र, सोतन और सास ने की पिटाई, एक्शन में आए प्रशासन ने मामले की जांच की शुरू। बरसों तक रेडियो की आवाज के सरताज बने रहे अमीन सयानी का निधन, 91 वर्ष की आयु में आया हार्ट अटैक, इलाज के दौरान हुई मौत। और सड़क को अपनी मिल्कियत समझकर ट्यूबवेल खुदवा रहे होटल मालिक पर हुई कार्रवाई, मशीनें जब्त। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं उदयपुर में अमित शाह की रैली के बाद हुए एक बड़े हादसे पर। उदयपुर जिला प्रशासन की लापरवाही और हाईवे अथॉरिटी की मनमानी के चलते प्रताप नगर में ओल्ड आरटीओ चौराहे पर बड़ा हादसा हो गया। शहर में अमित शाह की रैली और सीएम भजनलाल की सभा के बाद शाम को करीब 5 बजे अचानक राजस्थान विद्यापीठ के बाहर रास्ता रोककर सड़क के दोनों तरफ खतरनाक स्पीड ब्रेकर बना दिए गए। ये स्पीड ब्रेकर रोड कांग्रेस के नियमों के विपरीत बनाए गए। यही नहीं, न तो उन पर सफेद लाइनें लगाई गई, न ही स्पीड ब्रेकर का कोई संकेतक लगाया गया। ऐसे में इस रास्ते से गुजरने वाले कई लोग गिरकर घायल हो गए। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें उस हादसे की हैं जो स्पीड ब्रेकर के चलते उछलने से एक बस में सवार यात्रियों के घायल होने का है। बताया जा रहा है अल सुबह 3:30 पर पुराना आरटीओ चौराहे पर स्पीड ब्रेकर से इंदौर से जोधपुर की ओर जा रही यह बस हादसे का शिकार हो गई। चौराहे पर अचानक बनाया गया स्पीड ब्रेकर ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया और उसके आगे जा रही गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह चिपक गया। ड्राइवर और खलासी सहित कई सवारियां इस हादसे में घायल हो गई। खलासी को भी गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने के बाद प्रताप नगर थाने से अमर सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बाहर निकालकर एमबी अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक खलासी टायर के नीचे दब गया था, जिसे पुलिस ने निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं कई सवारियों को चोटें भी आई हैं और हाथ पैर फ्रैक्चर भी हुए। आपको बता दें कल जब ये स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे थे तब भी लोगों ने हादसे का अंदेशा जताया था। उनका कहना था कि बोर्ड नहीं लगाने और सफेद लाइनें नहीं लगने के चलते हादसे का अंदेशा है, मगर हाईवे अथॉरिटी के लोगों ने एक नहीं सुनी और हादसा हो ही गया। लोगों का कहना है कि स्पीड ब्रेकर बनाते समय न तो नियमों का ध्यान रखा गया और न ही हादसे की परवाह की गई। उदयपुर शहर में भी कई जगहों पर अचानक स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं जो नियमानुसार नहीं बने, गति अवरोधक नहीं होने के चलते कई बार बोर्ड भी नहीं लगाया जाता है। ऐसे में अवैध रूप से बने हुए ये स्पीड ब्रेकर हादसे के कारण बनते हैं और कई बार लोगों को इस स्पीड ब्रेकर से गुजरते वक्त परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। बहरहाल ये हादसे होते रहेंगे लेकिन इनका जिम्मेदार कौन है ये तय नहीं हो पा रहा है। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, होमली एनवायरमेंट, इंडिविजुअल अटेंशन, स्टूडेंट फ्रेंडली लाइब्रेरी, एयर कंडीशन्ड प्री प्राइमरी क्लासरूम्स, डिजिटल क्लासरूम्स, ह्यूज स्पेस फॉर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जैन सोसाइटी ग्रांट्स, 50% स्कॉलरशिप फॉर जैन स्टूडेंट्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस बाय मैनेजमेंट, अफोर्डेबल एंड सेफ कन्वीनियंस फैसिलिटी अवेलेबल। रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। एक महिला को डायन बताकर उसे यातनाएं देने का मामला सामने आया है।
ये घिनौना काम महिला के पूर्व सरपंच पति, उसकी सौतन और उसकी सास के द्वारा किया गया है। डायन कहते हुए तीनों ने इस महिला को निर्वस्त्र करके खाट पर बांध दिया और बुरी तरह पीटा भी है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामला बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव का बताया जा रहा है। आरोप है कि पति ने महिला के मुंह पर मुक्के मारे, उसे भूखी रखा। पीड़िता का पिता संयोग से बेटी के ससुराल पहुंचा था, उसे छुड़ाया और अस्पताल ले गया। पुलिस को शिकायत करने गया तो जवाब मिला कल आना। पुलिस में पीड़िता ने शिकायत करते हुए बताया कि आरोपी पति से 2021 में मेरा नात्रा विवाह हुआ था। इसके पहले से उसकी एक पत्नी यहां मौजूद है। पहले सब ठीक चल रहा था, मेरे दो बेटियां भी हुई, लेकिन पहली पत्नी का बेटा बीमार हुआ तो पति और सौतन के साथ सास ने मुझे डायन कहकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 14 फरवरी की रात 12 बजे पति आया और ये कहते हुए इसकी चोटी पकड़कर मारपीट करना शुरू कर दिया कि तूने मेरे बेटे पर जादू टोना किया और उसे बीमार कर दिया है। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया और इसके बाद बुधवार सुबह संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, आईजी एस प्रमिला, कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता और उसके पिता के बयान लेने के बाद मेडिकल करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है पीड़िता को उसके पति द्वारा खाट से बांधकर निर्वस्त करते हुए पीटा जा रहा था। इसी दौरान उसकी पहली पत्नी और सास भी मौके पर पहुंच गई और उसे डायन कहते हुए इसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। उस पर नींबू छिड़का गया। दोनों ने इस पीड़िता के हाथ पकड़ लिए और उसके बाद पति ने निर्वस्त करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद खाट से बांधकर और पीटा गया। आरोप है कि पीड़िता को भोजन तक नहीं दिया गया। बहरहाल इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इसकी जांच की जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि संयोग से बेटी का पिता उसके घर पहुंचा तो ये सब माजरा देखकर सन्न रह गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि 15 फरवरी को संयोग से मैं बेटी के घर पहुंचा था, जंजीर खोलकर भीतर गया तो बेटी को खाट से बंधी देखकर सन्न रह गया। उन्होंने उसका कहना है कि मैंने बेटी को छुड़ाया और उसके पास ही उसकी सौतन के साथ रह रही दोनों बेटियों को भी छुड़वाया। इसके दौरान मेरी बेटी पर हमले का प्रयास किया गया और मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में मैं और बेटी को जगपुरा अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे बांसवाड़ा रेफर कर दिया। सीओ ऑफिस में कल आए थे शाम को, सीओ ने आदेश दिया है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तुरंत एफआईआर दर्ज हो गया। कल रात को ये हमने टीम गठित करके एक अभियुक्त को हमने डिटेन कर लिया है। आज सुबह एक और अभियुक्त को डिटेन कर लिया है। दूसरा अभियुक्त के लिए टीम दबिश मार रही है, तुरंत हम पकड़ेंगे। वो महिला एक ने संज्ञान दिया है, फैक्चुअल रिपोर्ट मांग रहे तो भेजेंगे हम, अभी वो आएंगे वो बताएंगे। इस घटना के हमारे संज्ञान में आते ही कल ही पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक ने इसकी एफआईआर दर्ज करवा दी। उसके साथ साथ आज सुबह जिला कलेक्टर और उनकी पूरी टीम यहां पहुंच के पीड़िता एवं उसके पिता से मिल लिए हैं। उनके इलाज के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विशेष टीम के साथ भेज दिया है। साथ ही साथ उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो लगा होगा उसको संभालने के लिए काउंसलर की टीम भी उनके साथ है। पुलिस ने अपना काम करते हुए जो भी इसमें दोषी हैं उनमें से दो को डिटेन कर लिया है, बाकी एक जो नामजद अभियुक्त हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश चल रही है। हमें पूरा विश्वास है कि इसमें तीनों चारों चरणों पर, यानी सबसे पहले पीड़िता का इलाज हो जाए, नंबर टू जो दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ के उनको कानून के दायरे में लाया जाए, और नंबर तीन जो भी इसमें पीड़िता को जो पीड़ित प्रतिकर मिलना है वो शीघ्र मिल जाए। तो इसमें हम सारे स्तरों पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए समाज को भी संदेश जाएगा कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कानून कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहा है। आइए रुक करते हैं एक दुख भरी खबर का।
रेडियो की आवाज रहे, अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं है। बुधवार शाम उन्हें हार्ट अटैक आया था और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके बेटे रजिल ने बताया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को होगा। आपको बता दें अमीन सयानी 91 वर्ष के थे, 91 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अमीन सयानी की खूबसूरत आवाज ने हजारों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को रेडियो का दीवाना बना दिया था। उनकी पसंदीदा गीत माला को पूरे देश में उन्हीं की आवाज की वजह से पहचान मिली थी। अब ये आवाज खामोश हो गई है। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। 42 सालों तक आपने इस शानदार आवाज और आवाज से लोगों को रेडियो का दीवाना बनाने वाले अमीन सयानी को सुना होगा। ये अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं है। अमीन सयानी को 91 साल की उम्र में मुंबई में हार्ट अटैक आने के बाद आया था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका निधन हो गया। उनके पुत्र रजिल ने बताया कि अमीन सयानी को मंगलवार शाम को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रजिल ने बताया कि उनके पिता का अंतिम संस्कार गुरुवार को होगा। अभी कुछ रिश्तेदारों का इंतजार किया जा रहा है। अमीन सयानी ने 1952 से लेकर 1994 तक रेडियो शो गीतमाला को होस्ट किया था। अमीन सयानी की वजह से इस रेडियो शो को देश भर में लोकप्रियता मिली थी। अमीन सयानी अब इस दुनिया में नहीं है। इस खबर को सुनने के बाद उनके करोड़ों प्रशंसक गमगीन हैं। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल राडाजी चौराया। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में एक होटल वाले ने सड़क पर ट्यूबवेल खुदवाने का काम शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सारा सामान जब्त करते हुए इस ट्यूबवेल खोदने की कार्रवाई को बंद करवा दिया। झीलों की नगरी उदयपुर के गोवर्धन विलास इलाके में एक रसूखदार होटल वाले द्वारा ये कार्रवाई की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क को अपनी मिल्कियत समझकर मेन रोड पर ये होटल मालिक ट्यूबवेल खुदवा रहा था। जागरूक लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम के आरओ दस्ते से की और उसके बाद मौके पर पहुंचे जाब्ते और पुलिस के लोगों ने इस कार्रवाई को रुकवा दिया और इस काम में लगी मशीनों को भी जब्त कर लिया। सड़क पर खुदवाए जा रहे ट्यूबवेल की ये तस्वीरें उदयपुर के गोवर्धनवास इलाके की है। गोवर्धनवास थाना क्षेत्र में मौजूद इस होटल के बाहर सड़क पर ये ट्यूबवेल खुदवाया जा रहा था लेकिन जागरूक लोगों ने इसकी शिकायत नगर निगम को कर दी। इसके बाद गोवर्धन विलास थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे नगर निगम के जाब्ते ने इस काम को रुकवाया और सारा सामान जब्त कर लिया। आपको बता दें उदयपुर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए निगम ने कई जगह ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं, जिससे छोटे कब्जेदारियों में दहशत है मगर बड़े हाथी अब भी अपने रसूख के दम पर अतिक्रमण किए बैठे हैं। वे प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अवैध कब्जे कर रहे हैं और उन्हें कार्रवाई का डर भी नहीं है। बताया जा रहा है किसी ने अपनी होटल का विस्तार नाले तक कर दिया है तो कोई सरे राह कब्जा करके बैठा है। इसके साथ ही इन दिनों कार्रवाई बंद होने के चलते नगर निगम की कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की, बारातों की, वाइब्स है ये है अपनों की, सिटी वाइब्स है ये, सिटी वाइब्स है ये।
राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने लोकसभा चुनावों से पहले बंपर तबादलों का जो सिलसिला शुरू किया है वो आज भी बदस्तूर जारी रहा। बताया जा रहा है ये सिलसिला आज और कल दो दिन तक जारी रहेगा। कल तबादलों की डेडलाइन होने के चलते कई विभागों में देर रात तक सूचियां जारी की जाती रही। कुछ तबादलों को निरस्त भी किया गया। अब ट्रांसफर का आखिरी तारीख को बढ़ाकर 22 फरवरी तक कर दिया गया। ऐसे में तबादलों का ये मानसून कल तक जमकर बरसने की उम्मीद है। जयपुर में मंत्रियों के निवास, दफ्तरों सहित कुछ प्रभावशाली लोगों के खास ठिकानों पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों ने राजनीतिक और आर्थिक सामर्थ्य के साथ डेरा डाला हुआ है। बदलाव की बयार का सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष से नजदीकियां रखने वालों की बिसात बिछाना भी है। पुलिस महकमे की बात करें तो उदयपुर में 28 थाना अधिकारी बदले गए हैं और 400 से ज्यादा हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स के तबादले किए गए हैं। इनमें से जेक जुगाड़ों वालों ने हाथों हाथ तबादले निरस्त करवाने में भी सफलता हासिल कर ली। वहीं थाना अधिकारी आदर्श कुमार को पुलिस लाइन से धान मंडी, भवानी सिंह को घंटाघर से, मुकेश सोनी को भोपालपुरा और भरत योगी को सुखेर थाना अधिकारी के रूप में तैनात किया है। डबोक थाना अधिकारी चेल सिंह को यातायात शाखा में लगाया गया है, जबकि योगेंद्र व्यास को साइबर पुलिस थाने की जिम्मेदारी दी गई है। घंटाघर थाना अधिकारी नरपत सिंह अब नई थाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं सुनील चारण सूरजपोल थाना अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र के कानोड़ थाने में मुकेश चंद्र खटीक, खेरोदा में रामेंग पाटीदार, कुराबड़ में रायसल सिंह, वल्लभ नगर में दीपिका राठौड़ को नियुक्त किया गया है। प्रदेश में इन दिनों जिला कलेक्टर्स द्वारा कई विभागों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी सिलसिले में उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एडीएम प्रशासन शैलेश सुराणा बुधवार सुबह 10:15 बजे अचानक जन स्वास्थ्य अभियंत्री विभाग पहुंच गए। इन्होंने औचक निरीक्षण के दौरान वहां पर हाजिरी रजिस्टर जांच किए और जल जीवन मिशन से जुड़े कामों की पड़ताल भी की। औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे दोनों अधिकारियों ने पटेल सर्कल स्थित पीएचडी ऑफिस में जांच पड़ताल की और इस दौरान सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर चेक किया गया और उपस्थित तथा अनुपस्थित कर्मचारियों के बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने उपस्थिति पंजिका के आधार पर उपस्थित और अनुपस्थित कार्मिकों की जानकारी ली और छोटी मोटी समस्याओं के चलते लंबित पड़े कामों को तत्काल पूर्ण करने, लोगों को राहत देने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही वे जल समस्या निराकरण कंट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों, उनके निस्तारण की प्रक्रिया, टाइमलाइन आदि की जानकारी भी ली गई। अतिरिक्त मुख्य अभियंता मोहनलाल सैनी, अधीक्षण अभियंता ललित कुमार नागौरी सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। उदयपुर के सुखेर क्षेत्र में हाईवे पर नियम विरुद्ध बने बैरिकेड्स, दो वाहन आपस में टकराए, कई लोग घायल। डायन बताकर पति ने महिला को किया निर्वस्त्र, सोतन और सास ने की पिटाई। एक्शन में आए प्रशासन ने मामले की जांच की शुरू। बरसों तक रेडियो की आवाज के सरताज बने रहे अमीन सयानी का निधन। 91 वर्ष की आयु में आया हार्ट अटैक, इलाज के दौरान हुई मौत। और सड़क को अपनी मिल्कियत समझकर ट्यूबवेल खुदवा रहे होटल मालिक पर हुई कार्रवाई, मशीनें जब्त। ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। बुलेटिन के प्रायोजक हैं एसएमबी प्लाजा, उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर एसएमबी प्लाजा आपके लिए लाए हैं लिफ्ट और बड़ी पार्किंग की सुविधा के साथ। साधारण किराए में 100 से 4000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852।